दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि सभी वीएलई को पुलिस वेरिफिकेशन को सबमिट करना जरूरी है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 25 जुलाई कर दी गई है। और आज ही सीएससी की तरफ से एक नए लिंक को एक्टिवेट किया गया है, जिसकी मदद से सभी वीएलई अपना पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन को कैसे अपडेट करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और हां दोस्तों, मेरे पास में काफी सारे भाइयों के कमेंट आए हैं, जिसमें मुझसे केवल एक ही सवाल पूछा गया है कि भाई आखिर वो कौन से वीएलई है जिनको अपना पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट करना है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं अपनी कई सारी वीडियो में दे चुका हूं। जितने भी ऐसे वीएलई है जिनका पुलिस वेरिफिकेशन 2022 से पुराना है, यानी जिनका 2021 का है या फिर जिनका 2020 का है, उन सभी वीएलई को अपना नया पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है और उसको अपडेट करना है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन 2022 में ही बना हुआ है और उसको आप अपडेट कर चुके हैं पहले ही, फिर चाहे आपने 2 महीने पहले किया हो या फिर 3 महीने पहले किया हो, तो आपको दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केवल वही वीएलई को अपडेट करना है जिनका पुलिस वेरिफिकेशन 2022 से पुराना है। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे हमें पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट करना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको माई अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सीएससी आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट कर लेना है और आपके पीसी के साथ एक फिंगरप्रिंट डिवाइस अटैच होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। तो सभी डिटेल को सही से फिल करने के बाद नीचे आपको कंसेंट देनी है और सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करोगे तो आपकी जो बायोमेट्रिक है उसमें लाइट जल जाएगी, उस पे आपको अपनी फिंगर रख देनी है। तो जैसे ही आपके कैप्चर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपका जो अकाउंट है उसमें आप लॉगिन हो जाओगे। तो अकाउंट में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको केवाईसी अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पुलिस वेरिफिकेशन को अपलोड करना है और आपकी जो फाइल है उसका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर PNG होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फाइल का जो फॉर्मेट है वो PDF है, आपके पास में JPG फाइल नहीं है, तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है PDF टू JPG, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड फ्रॉम PC, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जहां पे भी आपने अपनी जो फाइल है उसको सेव किया हुआ है वहां से आपको अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली दोस्तों यहां पे आपको थोड़ी सी देर वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कैप्चा आ जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो यहां पे JPG में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फाइल को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे क्लिक करके आपको अपनी फाइल को अपलोड कर लेना है। तो जैसे आप फाइल को अपलोड कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ जाएगा और सिंपली आपको नीचे अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आ जाएगा। अब ये जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये अभी हाल ही में नया ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेम्परेरी एरर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आप अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप यहीं से ही अपना पुलिस वेरिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे, लेकिन अभी इसमें टेम्परेरी एरर है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार बीच बीच में ट्राई करके देखते रहना है और जैसे ये एरर ठीक हो जाएगा तो आप यहीं से ही अपना पुलिस वेरिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं और ये जो एरर है ये टेम्परेरी एरर है, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, ये एरर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये जो लिंक है ये नया लिंक है, तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत एरर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, बस आपको बार बार ट्राई करके देखते रहना है और 100% यहाँ से आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना, और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।